तो आज के दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करेंगे स्वीट इकोनॉमी के बारे में, स्वीट कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस अगर आप अभी देखो तो लगभग 3 सेंट में इसकी प्राइस देखने को मिल रही है। लेकिन ये कई सारे एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हो चुके हैं और आने वाले टाइम पे ये $1 क्यों जा सकता है, इसके ऊपर यहाँ पे बात करेंगे कि इसके ऐसे क्या अपडेट हैं और क्या ऐसे रोड मैप है जो आने वाले टाइम पे इसमें आपको अच्छा खासा प्राइस देखने को मिल सकता है। मैं अक्सर वीडियो को आप पूरा देखो, डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम की लिंक होगी जहां पे मार्केट के जो अपडेट हो, सेंटीमेंट हो, वो वहां पे शेयर करता हूं, जिसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बिटकॉइन के बारे में हम यहां पर देखें तो लगभग $0.031 का प्राइस आपको देखने को मिल रहा है और इसकी अगर मार्केट कैप आप देखोगे तो $65 मिलियन का मार्केट कैप है। अब अगर इस हिसाब से देखो तो मार्केट कैप बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी मीम कॉइन होते हैं, जो कि रिसेंटली लॉन्च होते हैं, उसकी भी मार्केट कैप आपको उस कई टाइम आपको $100 मिलियन में या फिर $500 मिलियन तक में भी वहाँ पे चली जाती है। तो ऐसे में स्वीट कॉइन के बारे में बात करें तो $65 मिलियन का मार्केट कैप है, जो कि इंडिकेट करती है कि आने वाली टाइम पे कुछ अगर बड़े अपडेट हो तो उससे इसकी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद अगर आप इसके ऑल टाइम हाई को यहाँ पर देखोगे तो लगभग $1 का इसने यहाँ पर हाई बना दिया है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा चांस है कि अपने ऑल टाइम को हाई को ये यहाँ पर ब्रेक करेगी या फिर उसे आने वाले टाइम पे टच करेगी। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ से आप स्वीट कॉइन का जो प्राइस है वो 30x तक आपको देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी बड़ी प्रॉफिट है अगर ये $1 तक जाती है तो। इसके बाद अगर आप इसके सप्लाई को देखोगे तो 21 बिलियन का सप्लाई है। तो अगर हम ऐसे कुछ अदर कॉइन के हिसाब से देखें तो सप्लाई कुछ ज़्यादा है, लेकिन जिस हिसाब से इसकी कम्युनिटी है और जिस हिसाब से इसके अपडेट आ रहे हैं तो आने वाले टाइम पे ये $1 जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना यहाँ पे रखती है। अगर हम बात करें कि स्वीट कॉइन क्या है तो बेसिकली एक फिटनेस ऐप है जहाँ पर आप इसको रन करके, वॉकिंग करके इसकी जो नेटिव टोकन है वो आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट अभी भी यहाँ पे रन कर रही है और अभी कुछ टाइम तक रन और भी करेगी, कुछ सालों तक यहाँ पे रन करेगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आप इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो भी आप वॉकिंग करते हो उसके थ्रू आप स्वीट कॉइन को जनरेट कर सकते हो। इसके ऊपर एक और मैंने वीडियो बनाया है किस तरह से आप स्वीट कॉइन को जनरेट कर सकते हो, आप वॉकिंग करके, आप रन करके, आप यहाँ पर स्वीट कॉइन को यहाँ पर माइन कर सकते हो। तो इसकी एक वीडियो मैंने बना रखी है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और उसके थ्रू आप यहाँ पर रन कर सकते हो और उसके थ्रू आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट 2016 से रन कर रही है और आज के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फेमस हो चुकी है। और अभी फिलहाल इस कॉइन पे कई सारे न्यूज है जो आने वाले टाइम पे इसमें अच्छी खासी हाइप देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि ये बाइनेंस में भी आपको लिस्टिंग देखने को मिल जाए। अभी अगर आप इसके मार्केट को देखोगे तो लगभग जितने बड़े एक्सचेंजेस हैं सभी पे ये लिस्टेड हो चुकी है। आप होबी ग्लोबल में देख सकते हो, FTX में लिस्टेड हो चुकी है, Gate.io पे, KuCoin पे, Bitfinex में, OKX में, L Bank में, तो जितने भी बड़े एक्सचेंजेस हैं सिर्फ बाइनेंस को छोड़कर मैक्सिमम एक्सचेंज यहाँ पर इसकी ट्रेडिंग कर रही है, मतलब मैक्सिमम एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अब अगर आप इसके ट्विटर फॉलोवर को देखोगे तो 3,62,000 के ट्विटर फॉलोवर है, तो काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है। और बाइनेंस अगर किसी भी एक्सचेंज, किसी भी टोकन या कॉइन को लिस्ट करता है तो उसकी सबसे बड़ी जो कंडीशन होती है कि उसके पास ट्रैफिक होनी चाहिए, उसके पास कम्युनिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3,62,000 की कम्युनिटी है। साथ में अगर आप इसके बैकअप के बारे में बात करोगे, इन्वेस्टर के बारे में बात करोगे, तो इस कॉइन पे FTX भी अपनी फंडिंग यहाँ पे कर चुका है और साथ में अगर आप देखोगे तो कई सारे ब्लॉकचेन इन्वेस्टर इसमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक कैपिटल, स्पार्टन कैपिटल, जंप, GSR, नियर फाउंडेशन, तो जितने भी बहुत सारे जो ब्रांड हमें देखने को मिलते हैं, जो ब्लॉकचेन के इन्वेस्टर हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो लोग इस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप अभी रिसेंट अपडेट देखोगे तो इसकी खुद की NFT मार्केट प्लेस के ऊपर ये यहाँ पे वर्क कर रही है, जो कि इसने ट्विटर पे यहाँ पे बताया है। साथ में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके स्टैकिंग के प्रोग्राम भी आ चुके हैं, जिसमें अगर आप देखो तो आप स्टैकिंग करके भी अर्निंग कर सकते हो।
तो काफ़ी सारे ऐसे अपडेट है इसके NFT है। और इसके अगर आप रोड मैप में यहाँ पर देखोगे तो इसके खुद के डेक्स भी आने की बात चल रही है, मे बी कि ये 2023 तक में आए, लेकिन ये डेक्स वगैरह भी ला सकते हैं जिससे कि और ज़्यादा आपको ट्रैफिक या हाइप आपको देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी ऐसे कुछ अपडेट है जो स्वीट कॉइन में लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से आप देखोगे तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट यहाँ पे बनाई जा सकती है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम पे ये $1 भी आपको देखने को मिल सकता है। और अगर ये किसी भी टाइम बाइनेंस में लिस्ट हो जाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा चांस है बाइनेंस में लिस्ट होने का, क्योंकि ये पूरी पोटेंशियल रखती है कि बाइनेंस के जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसे यहाँ पर फॉलो कर रही है, तो ऐसे में बाइनेंस में भी आपको लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। और अगर ये बाइनेंस में लिस्ट होती है तो अच्छी खासी हाइप हो सकती है और अच्छा खासा ये पंप हो सकता है। दोस्तों इसकी प्राइस 3 सेंट लगभग में चल रही है। अगर आपको फ्री में अर्न करना है तो आप हमारे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो किस तरह से आपको फ्री अर्निंग करनी है, यहाँ पर टोटल डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इसके बाद आप इसे ट्रांसफर वगैरह भी आप कर सकते हो, या फिर अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, तो आप $50-100 का आप बाय करके लगभग 1-2 साल के लिए यहाँ पे छोड़ सकते हो। इससे क्या होगा कि जैसा कि इसका प्राइस अभी 3 सेंट में चल रही है, लेकिन अगर ये फ्यूचर में बाइनेंस में लिस्ट होती है तो मे बी कि ये $1 तक भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे सिचुएशन पे अब आप समझ सकते हो कि अगर आपने $100 भी 1-2 साल के लिए छोड़ दिया है तो आपको क्या प्रॉफिट यहाँ पे हो सकती है। लगभग से लगभग 30x तक का भी प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग विजन के हिसाब से आप स्वीट कॉइन को देखोगे तो पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। $50-100 लेकर आप यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पर्पज के हिसाब से छोड़ सकते हो। अभी फिलहाल ये कुकॉइन हॉबी ग्लोबल में लिस्टेड है और मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आपको इसे बाय करना है तो कुकॉइन पे बाय कर सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी, उसमें क्रिएट करके आप कुकॉइन पे बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह की KYC मैंडेटरी नहीं है, तो आप लॉन्ग टर्म तक भी कुकॉइन पे होल्ड करके रख सकते हो। अगर आप टेक्निकली भी यहाँ पर देखोगे तो स्वीट कॉइन यहाँ पे कुछ टाइम से डाउन जा रही थी, तो आप देख सकते हो यहाँ से डाउन जा रही थी और जिस तरह का आपको सेटअप देखने को मिल सकता है जहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को रेसिस्टेंस बना रही थी, और अब ये एक ब्रेकआउट सीन पे हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही ये एरिया यहाँ से ब्रेकआउट होती है तो मे बी कि अच्छा खासा मोमेंट आपको देखने को मिलेगा और फिर इसकी जो प्राइस होगी वह लगभग से लगभग काफ़ी ज़्यादा पंप यहाँ पर कर सकती है। तो अगर आप टेक्निकली भी देखोगे तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगेगी स्वीट कॉइन, जैसे इस ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट करती है तो एक अच्छा खासा आपको पंप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फॉर लॉन्ग विजन के लिए अगर आपको बाय करना है तो $50-100 तक का बाय करके रख सकते हो। मे बी कि यहाँ से आपको 20-30x तक का इजिली प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा जब इसके सारे अपडेट आना शुरू होंगे, NFT मार्केट प्लेस, इसकी डैक्स, इसकी जो रोड मैप है उसमें जब ये सारी चीज़ें अपडेट करेंगे, जैसे जैसे टाइम आएगी तो अच्छी खासी इसमें पंप आपको देखने को मिलेगी। और जैसे ही बाइनेंस में लिस्ट होती है तो और ज़्यादा आपको पंप देखने को मिल सकता है। तो ये रहे कुछ स्वीट कॉइन के अपडेट, बाकी और भी इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो अपडेट करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने टेलीग्राम पे। मेक श्योर कि आपने दोनों को ज्वाइन किया हो, यूट्यूब को सब्सक्राइब किया हो और टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन कर लिया हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।